हिमाचल प्रदेश एनपीएस कर्मचारी महासंघ की अहम बैठक भवारना ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष शर्मा की अध्यक्षता में भवारना में संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश अध्यापक संघर्ष मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण कुमार विशेष रूप से मौजूद रहे। इस बैठक में पुरानी पेंशन बहाली के लिए रणनीति बनाई गई। प्रताड़ित कर्मचारियों के अनुसार हर समय कर्मचारियों का आर्थिक व मानसिक रूप से प्रताड़ना करना देश के विकास के लिए ठीक नहीं है। इस देश की उन्नति तभी सही है जब सभी कर्मचारियों को एक समान विकास के साथ जोड़ा जाएगा। सभी कर्मचारियों ने एक अंतिम आग्रह उनसे किया है, जो शपथ लेने के बाद पेंशन लेने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2003 के बाद कर्मचारियों को पेंशन बहाल की जाए, अन्यथा आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष शर्मा ने भी कहा कि मई 2003 के बाद बंद पुरानी पेंशन को बहाल ना करना इस देश के कर्मचारियों के साथ अन्याय है, जिसके चलते 28 अक्टूबर को पूरे देश के सांसदों के घर के बाहर एक दिन का अनशन रखा जा रहा है, जिसके दिशा निर्देश स्टेट कार्यकारिणी ने सभी ब्लॉकों और जिलाओं को दे दी है। अगर इस पे भी बात नहीं बनती है तो जल्द ही संसद का घेराव किया जाएगा और 2003 के बाद वालों की पेंशन बंद करने वालों को पुनः पेंशन बहाल करनी पड़ेगी। आज जो यहाँ भवाना ब्लॉक एनपीएस की जो मीटिंग थी, यहाँ पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई थी। अभी हमारा मुद्दा है कि अभी जो आने वाली 28 अक्टूबर को जो हमें दिशा निर्देश प्रदेश कार्यकारिणी से मिले हैं, उसके अनुसार जो सांसदों के घर में जो एक दिन का उपवास उनके घर पर रखा जाएगा, उसके बारे में आज हम जो है ये मीटिंग करने जा रहे हैं। तो आपका क्या मुद्दा है मेन मुख्य? हमारा मुद्दा है कि हमें जो 15 मई 2003 से जो कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम में डाल दिया है, हमारा एक ही मांग है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम में रहने दी जाए। एनपीएस में हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई घाटा हो रहा है। दिन पर दिन लोगों की जो स्टेटमेंट आ रही है एनएसडीएल की, उसमें कभी आर्मी में कभी 5,000, कभी 3,000, कभी 8,000 रुपया जो है वो कम हो रहा है। सरकार द्वारा अगर आपकी मांगों को नहीं माना जाता है तो अब क्या अगला आपका कदम होगा? सरकार अगर हम पहले भी कई बार इनसे मिल चुके हैं, अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानती है तो हम आगे जो है वो कठोर से कठोर कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे, और उसकी पूरी जिम्मेवारी जो होगी वो सरकार की होगी। दिल्ली में घेराव करेंगे, और ये नहीं होता है तो हम 26 नवंबर को दिल्ली में जो संसद का घेराव करने जा रहे हैं।